हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और नए टेस्ट नेट प्रोजेक्ट के बारे में। इसका नाम है फीलैंड, और जो फीलैंड है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो इस समय अपने टेस्ट नेट में चल रहा है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट नेट है और बहुत ही अच्छा भी है, आपको इसे करने में बहुत मज़ा आएगा। और इसे कैसे करना है वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस टेस्ट नेट को स्टार्ट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है, यहाँ पे आपके पास ENS के ऊपर एक डोमेन रजिस्टर्ड होना चाहिए टेस्टनेट नेटवर्क के ऊपर। सेकंड, आपके पास कुछ इथेरियम होने चाहिए इथेरियम के गोरेली टेस्टनेट नेटवर्क के ऊपर। और थर्ड, आपके पास कुछ मैटिक होने चाहिए अगेन पॉलीगॉन के टेस्टनेट नेटवर्क मुंबई के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ पे नेटवर्क्स को ऐड कर लेते हैं। नेटवर्क ऐड करने के लिए आपको जाना होगा chainlist.org के ऊपर, और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा टेस्टनेट के ऊपर, और यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा पॉलीगॉन, और यहाँ पे आपको आपका मुंबई नेटवर्क मिल जाएगा। अपने वॉलेट को कनेक्ट करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जो गोरिल्ला टेस्टनेट नेटवर्क है वो आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेटामास्क के अंदर मिल जाता है। तो पहले मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेटवर्क ऐड करने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कि हमें सबसे पहले इथेरियम नेम सर्वर के ऊपर जाना है और एक डोमेन को रजिस्टर करना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पे जाए अपने वॉलेट को कनेक्ट कर ले, नेटवर्क आपका होना चाहिए गोरिल्ला, और यहाँ पे आप जाके कोई भी एड्रेस या नाम को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप जो नाम रजिस्टर करेंगे वो परमानेंट नहीं होगा क्योंकि ये इस समय टेस्टनेट के ऊपर है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक नाम रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मोनेश कुमार डॉट ईथ सर्च, और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट टू रजिस्टर के ऊपर। उसके बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा मेटामास्क से, और आप क्लिक करेंगे कंफर्म के ऊपर, और यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप टू कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से क्लिक करना होगा रजिस्टर के ऊपर फाइनल स्टेप कंप्लीट करने के लिए। और फाइनली हमारा जो डोमेन था मोनेश कुमार डॉट ईथ वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। तो बस आपको ENS पे आके इतना ही काम करना है, इसके बाद आपका यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो जाता है। और वापस जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर mumbai.feeland.xyz के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे मेटामास्क। अब ये कह रहा है कि आपका जो नेटवर्क है मेटामास्क के ऊपर वो शिफ्ट होना चाहिए मुंबई टेस्टनेट नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे आप नेटवर्क को स्विच कर लीजिएगा, आप मैनुअली जाके भी यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुंबई चूज़ कर लिया है, और आपके अकाउंट में कुछ मैटिक भी होने चाहिए गैस फीस पे करने के लिए, और अगर मैटिक नहीं है तो आप मैटिक के फॉसेट वाली साइट से जाके मैटिक क्लेम कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस से आते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे अपने वॉलेट को ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, पर ये कनेक्ट हाँ वॉलेट कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने ENS को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने मोनेश कुमार डॉट ईथ रजिस्टर्ड किया था अपने सेम वॉलेट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगेगा। तो जो भी नाम आप रजिस्टर करेंगे ENS के ऊपर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करेगा। तो मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद क्रिएट लैंड के ऊपर हमें क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा मेटामास्क की तरफ से, और आपको इसे कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा आपके सामने एक लैंड आ जाएगा जिसे हमने अभी अभी क्रिएट किया है, और अब हमें इस लैंड को डेवलप करना है। और डेवलप करने से पहले आपको दो चीज़ें और करनी है। सबसे पहले आपको जाना होगा क्वेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने कुछ क्लेम्स के बटन इनेबल हो जाएंगे, तो आपको इन्हें क्लेम कर लेना है वन बाई वन। और जो भी चीज़ हम यहाँ पर क्लेम करेंगे इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे अपने लैंड को डेवलप करने के लिए। यानी कि जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम घर बनाते हैं, कोई शॉप बनाता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, ठीक उसी तरीके से हमने इस लैंड के ऊपर डेवलपमेंट करना है। कंफर्म, ठीक इसी तरीके से आप सेकंड वाले को भी क्लेम कर लीजिएगा। हो सकता है शायद आपको दो से ज़्यादा दिखाई दे, क्योंकि जब मैंने अपने पहले वॉलेट से क्रिएट किया था तब मुझे यहाँ पे चार चीज़ें क्लेम करने के लिए दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी इस वाले वॉलेट में मुझे सिर्फ यहाँ पे दो ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको तीन चार पाँच भी दिखाई देते हैं तो आप सभी को क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम करने के बाद आप इसे यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको जाना होगा शॉप के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर फ्री में ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रीमियम है जहाँ पे आप देखेंगे आपको फीस में वन मैटिक पे करना होगा। तो आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे जो फ्री वाले हैं उन्हें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे भी क्लोज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद अब आप क्लिक करेंगे वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके वॉलेट के अंदर इस समय
दो चीज़ शो कर रही हैं, पहला है चेस पीस और दूसरा है ईथ मोटर बाइक जिसे हमने क्लेम किया था क्वेस्ट में जाके। और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल के ऊपर और डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने अपने आइटम्स को डिपॉजिट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो एडिट का जो बटन है वो अब यहाँ पे इनेबल हो चुका है। जब तक हमने यहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया था तब तक यहाँ पे ये इनेबल नहीं था, ये डिसेबल था। और अब हम क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे आपने जो दो चीज़ डिपॉजिट की थी वो यहाँ पे अब शो कर रही है। और अब आप इन दोनों चीज़ों को अपने लैंड के ऊपर प्लेस कर सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे ले आके छोड़ देता हूँ, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसे ले आके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने इस लैंड को डेवलप करना है। तो अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं और पता नहीं क्या क्या बनाया, काफ़ी अच्छी तरीके से अपने इस पूरे लैंड को उन लोगों ने डेवलप किया है। तो ठीक इसी तरीके से आपको इसे यहाँ पे डेवलप करना है और बस आपका काम हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे अपने आइटम्स को प्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही आइटम थे, हमने सिर्फ दो ही चीज़ों को डिपॉजिट किया था क्लेम करने के बाद, आप चाहें तो जाके फ्री वाले को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा जो आइटम था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे लीडर बोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, एक्टिव स्कोर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस समय नंबर 1 पे है जो वॉलेट, इस समय उसे यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले हैं वो है 1162। तो यहाँ पे आप अगर डेली आके लॉग इन करते हैं, अपने लैंड को डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एक्टिव स्कोर है वो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगर आप जाएंगे इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर तो यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के लैंड को शेयर किया है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तरीके से लोगों ने अपने लैंड को डेवलप किया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ शॉप्स हैं और कुछ रोड्स बने हुए हैं। ठीक इसी तरीके से आप भी अपने लैंड को डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करने के बाद डोंट फॉरगेट कि आप इसे यहाँ पे शेयर करें अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और इन्हें टैग करें। तो बस आपको इस टेस्टनेट में यही करना है। तो काफ़ी क्रिएटिव सा है, जनरली हम जो टेस्टनेट करते हैं वहाँ पर हम स्वैप करते हैं, लिक्विडिटी ऐड करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा क्रिएटिव है। और एंड में दोस्तों आपको एक फॉर्म भी फिलअप करना है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले इन्होंने इस फॉर्म को शेयर किया था जिसे इन्होंने क्लोज कर दिया है, तो ये इनका लेटेस्ट वाला। यहाँ पे आपको अपने पॉलीगन वॉलेट का एड्रेस डालना है जिस एड्रेस के ऊपर आप टेस्टनेट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपने ENS नेम को डालना है, जैसे कि monishkumar.eth आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीडिंग्स देनी है, और यहाँ पर कुछ सवाल हैं उनके जवाब आपको देने हैं, और उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो बस आपको इतने ही काम करने हैं जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आसान है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो फ्री लैंड के ऊपर। उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, फिर भी आपको लगता है कुछ छूट गया है मुझसे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।